दिल्ली में राजौरी गार्डन पुलिस थाने की टीम ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो 2 साल पहले फरार था। इस शख्स पर इंटेलिजेंस पॉलिसी के नाम पर कई लोगों से ठगी करने का आरोप है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शख्स की ओर से अपनी पत्नी समेत 5 लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उस शख्स ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मोहाली में स्थित वाल्मीकि कॉलोनी फेज 6 में आज 2 पक्षों में जबरदस्त झड़प हो गई। इस झड़प के दौरान तलवारें भी चली जिसमें करीब 7 से 9 लोग घायल हो गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। वहीं वोटिंग की गिनती आज सुबह 8:30 बजे से जारी है और आज 1.35 लाख छात्र 23 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। बुधवार को इसके लिए वोट डाले गए थे। अमेरिका में बांग्लादेश हाई कमीशन के मुताबिक पिछले 3 सप्ताह में मेक्सिको से अमेरिका में गैर कानूनी ढंग से दाखिल हो रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्री वहां तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पर अंतर सरकार उद्योग की 23वीं बैठक में शिरकत करेगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में तैनात एक सब इंस्पेक्टर ने वाराणसी में अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर 15 दिनों की छुट्टी पर था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जमात उद दावा और उनके सहयोगी संस्था फिलाही इंसानियत फाउंडेशन को देश में राहत व दान कार्य जारी रखने की अनुमति दे दी है। पेट्रोल डीजल के दाम एक दिन की राहत के बाद फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल के दाम में 13 पैसे और डीजल के दाम में 11 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।